नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कर्नाटक में रविवार को दिए गए भाषण का विस्फोटक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया है कि वो अपने घरों में सब्जी काटने वाला चाकू तेज कराकर रखें, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि प्रज्ञा खुद आतंकवाद से जुड़े कथित मामले में आरोपी रही हैं। कर्नाटक में अगले 4 महीनों में चुनाव संभावित हैं। पीटीआई के मुताबिक प्रज्ञा ने कहा, वो लोग लव जिहाद परंपरा के हैं, वो प्यार भी करते हैं तो उसमें जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी भगवान से प्यार करते हैं, एक सन्यासी अपने भगवान से प्यार करता है, लेकिन वो हिंदुओं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को काटते हैं तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ने यह भाषण रविवार को शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा कि सन्यासी भगवान द्वारा बनाई गई इस दुनिया में कहते हैं कि सभी पापियों को समाप्त करो, अगर प्यार की सही परिभाषा यहाँ नहीं बचेगी तो कहाँ बचेगी। लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दें, अपनी लड़कियों की रक्षा करें, उन्हें सही मूल्य सिखाएं। शिवमोगा में हर्षा सहित हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लोगों से आत्मरक्षा के लिए घर में धारदार चाकुओं को रखने के लिए कहा। प्रज्ञा ने कहा कि अपने घरों में हथियार रखो, और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू धारदार। ना जाने क्या स्थिति पैदा हो जाए, सबको आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो मुँह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक लेकर जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आज़ाद होना होगा। उन्होंने कहा कि नया भारत दशकों पहले हुई पुरानी भूल को सुधार रहा है और आज़ादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। प्रधानमंत्री ने कहा, औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे, लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी शौर्य गाथा को भुला दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की कोर्ट के सर्वे वाले आदेश को लेकर AIIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिविल कोर्ट ने 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने सर्वे को फर्स्ट रिजॉर्ट के तौर पर आजमाया, जबकि कानून के जानकार मानते हैं कि सिविल मामलों में सर्वे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मेरी राय में यह ऑर्डर सही नहीं है, मुझे भरोसा है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट इसके खिलाफ अपील करेगा और ऊपरी अदालतें इस मामले का संज्ञान लेंगी। बता दें, मथुरा की कोर्ट ने 8 दिसंबर को एक हिंदू संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की अमीन रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष का कहना है, ये एक तरह से मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश है। कांग्रेस ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत की थी। कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि IB से जुड़े लोग इन लोगों से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और वो लोग राहुल गांधी को सौंपे गए ज्ञापन की कॉपी भी चाहते हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में तमाम संगठनों के लोग राहुल गांधी से मिले और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। जयराम रमेश ने कहा है कि यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन इससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस यात्रा से घबराए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है और लिखा है कि सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है और हम देश की हर समृद्ध परंपरा की मजबूती के लिए काम करेंगे। तस्वीर में राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी भी चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने शनिवार को इसको लेकर लाल किले से बोला था कि पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन किसानों, मजदूरों और गरीब बच्चों से ये बात पूछनी चाहिए। शनिवार को राहुल गांधी ने TV मीडिया और मोदी सरकार को भी जमकर घेरा था। CBI ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले को खोल दिया है। ये मामला तब का है जब लालू यादव UPA 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। इस मामले में आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ था। CBI ने इस मामले में साल 2018 में जांच शुरू कर दी थी और मई 2021 में जांच को बंद कर दिया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, उनकी बेटी चंदा यादव और रागनी यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। CBI की इस कार्रवाई के बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ सकता है।
क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल अगस्त में बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इसके बाद नीतीश के साथ लालू ने भी दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। नीतीश और लालू प्रसाद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के बीच पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर होते हमलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कश्मीर घाटी से जम्मू शिफ्ट किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मेरे कार्यकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई थी, उस समय दिक्कतें नहीं थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उसके बाद हुई। ऐसे में सबसे अहम यह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और कश्मीरी पंडितों को जम्मू भेजा जाए, स्थितियां ठीक हो जाएं तो वो वापस आ सकते हैं। बता दें कश्मीरी पंडित लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए उनका प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि LG मनोज सिन्हा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जो कश्मीरी पंडित ऑफिस ना जाकर घर पर बैठे हैं उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को लेकर कहा है, ये एक सच है कि कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के शिकार हुए हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। देश को धर्म के आधार पर यह देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से दूसरे लोग भी मारे गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि आतंकियों के द्वारा कश्मीर की घाटी के लोगों के अलावा बिहार, ओडिशा, झारखंड से काम करने आए मजदूरों को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन एक झूठा नैरेटिव चलाया गया। टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों के गुस्से पर उपराज्यपाल ने कहा वो इस बात को समझते हैं और वो सभी लोगों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी पर नहीं जाएंगे और घर में बैठे रहेंगे तो उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री विशेष रोजगार योजना के तहत करीब 6,000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी लौटे थे, लेकिन टारगेट किलिंग के डर से वो पिछले 6 महीनों से अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। सोमवार को विधानसभा में महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर को लेकर प्रस्ताव में देरी होने के कारण शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि केंद्र सरकार विवादित सीमा क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दे। ठाकरे ने कहा कि हमें कर्नाटक की 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। हमें कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए केंद्र को एक मांग भेजनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक कर्नाटक के बेलगावी, कारवार व निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, विधानसभा में पारित होने वाले प्रस्ताव में इस मांग को शामिल किया जाए। ठाकरे के जवाब में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र की 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, महाराष्ट्र चुप नहीं बैठेगा, किसी भी हालत में हम महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव को टुकड़े टुकड़े करने वाले आरोपी आफताब पूनावाला की एक ऑडियो क्लिप दिल्ली पुलिस को मिली है जो इस केस में महत्वपूर्ण सबूत हो सकती है। दिल्ली पुलिस आज 26 दिसंबर को आफताब को लेकर CBI मुख्यालय गई है जहां उसकी आवाज़ का सैंपल टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब पूनावाला को उस वॉइस क्लिप में श्रद्धा के साथ बहस करते हुए सुना जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा यह क्लिप एक महत्वपूर्ण सुराग बन सकती है। बता दें दिल्ली में हुई इस घटना के बारे में जब जानकारियां बाहर आईं तो लोग दहल उठे। मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। श्रद्धा और आफताब कुछ वर्षों से लिव इन में रह रहे थे। आरोप है कि इस दौरान पूनावाला ने श्रद्धा को कथित रूप से कई बार परेशान किया और पीटा था। पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को आफताब पूनावाला की आवाज़ के नमूने रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी। अभिनेत्री तनुषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान ने कहा कि वो श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद देश में बने माहौल की वजह से तनाव में आ गया था और इसलिए उसने तनुषा के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला किया। न्यूज़ एजेंसी NI के मुताबिक शीजान ने पुलिस को पूछताछ में यह जानकारी दी। बता दें श्रद्धा वालकर की इस साल 18 मई को उसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़ों को दिल्ली में महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। शीजान ने महाराष्ट्र पुलिस को बताया कि उसका अलग धर्म से होना और उन दोनों की उम्र में अंतर होने की वजह से भी उसने तनुषा के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला किया। शीजान की उम्र 28 साल की है जबकि तनुषा 20 साल की थी। पूछताछ के दौरान शीजान ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले जब तनुषा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो उसने उसे बचाया था। बता दें कि तनुषा शर्मा ने शनिवार को TV सीरियल के सेट पर ही मेकअप रूप में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए और तनुषा की मां की शिकायत पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड और सीरियल अलीबाबा के लीड एक्टर शीजान को गिरफ्तार कर लिया था।
बीजेपी के विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र में अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की आत्महत्या के मामले में तथाकथित लव जिहाद का एंगल दिया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री की आत्महत्या के मामले की जांच लव जिहाद एंगल से भी होगी। बता दें, तुनिषा शर्मा की मौत मामले में उनके सहकलाकार शीजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर राम कदम का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि तुनिषा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा, हम पता लगाएंगे कि मामला लव जिहाद से जुड़ा है या नहीं, और अगर जुड़ा है तो इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों और संगठनों का पर्दाफाश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने भी दावा किया है कि अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की मौत लव जिहाद का मामला है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने के आदेश दिए हैं। हालांकि मंत्री गिरीश महाजन के आदेश के बाद इस मामले की जांच में जुटे वाली पुलिस स्टेशन के एएसपी चंद्रकांत यादव का कहना है कि अभी तक तुनिषा शर्मा की मौत के मामले में लव जिहाद या फिर कोई दूसरा एंगल सामने नहीं आया है। बता दें कि तुनिषा शर्मा की खुदकुशी के मामले में मुंबई की वाली पुलिस ने शीजान खान को तब गिरफ्तार किया जब तुनिषा शर्मा की मां ने शीजान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।